मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं एस जादव मैथ, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे मिक्सर एंड एलिगेशन। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि मिक्सर एंड एलिगेशन को पढ़ाइए, और खासतौर पर देखा है तो विकास चौधरी कई बार कमेंट आया था कि मिक्सर एंड एलिगेशन को पढ़ाइए। तो दोस्तों आज देखेंगे मिक्सर एंड एलिगेशन होता क्या है। तो सबसे पहले देख लें मिक्सर क्या है। मिक्सर यानी कि मिश्रण। मिश्रण क्या होता है भाई? कम से कम दो या इससे अधिक वस्तुओं को आपस में मिलाकर जो नई वस्तु तैयार होगी उसे क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। तो अब देखना एलिगेशन क्या भाई। एलिगेशन एंड मिक्सर दोनों को देखना, ठीक है। मिक्सर क्या हुआ भाई? कम से कम दो या इससे अधिक वस्तु को मिलाकर जो नई वस्तु तैयार होगी उसे क्या बोलेंगे? मिश्रण। एलिगेशन, एलिगेशन तुम्हारा एक क्या है? रूल है, या फिर बोले एक मैथड है। रूल या मेथड क्या है भाई? इससे क्या होता है कि जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उसे क्या बनाता है? इजी बना देता है। ये ऐसा नहीं है कि यहीं पे इसका यूज होता है। इसका यूज अगर चैप्टर देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि वाला। और एक और देखना है इसका ट्रेंड वाला भी है, और भी चैप्टर हैं ट्रेंड वाला, और एक है सिंपल इंटरेस्ट। इसका जो है एलिगेशन वाले मेथड से इसके जो क्वेश्चन आता है वो भी सॉल्व होते हैं। तो आज देखेंगे भाई मिक्सर एंड एलिगेशन कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखना आपसे मैं कहता हूँ दो तरह की वस्तुएँ ले लो, दो तरह की वस्तु ले लो, जैसे मैंने बोला टाइप ए और टाइप बी, ठीक है। टाइप ए और टाइप बी दो तरह की वस्तुएँ हैं, ठीक है। ये ले ली मैंने, और इन दोनों वस्तुओं को आपस में क्या कर दिया? मिला दिया। इन दोनों वस्तुओं को आपस में क्या कर दिया? मिला दिया। इन दोनों वस्तुओं को मिलाने के बाद जो चीज तैयार होगी उसे क्या बोलेंगे? मिश्रण। यानी ये क्या है तुम्हारा? मिश्रण है, ठीक है। ये क्या है भाई? मिश्रण। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये क्या है? मिश्रण है। तो बताना यहाँ पर क्या होगी? हमारी शुद्ध मात्रा होगी। क्या होगी? शुद्ध मात्रा, दोनों जगह ही शुद्ध मात्रा होगी। अब यहाँ शुद्ध मात्रा, अब देखो गेहूँ गेहूँ हो सकते हैं, चावल गेहूँ हो सकते हैं, गेहूँ चावल हो सकता है, दूध पानी हो सकता है, ठीक है, शराब पानी हो सकता है, शराब दूध हो सकता है, मिश्रण कुछ भी हो सकता है। यानी कि यहाँ शुद्ध मात्रा होगी और यहाँ पर क्या होगा? इन दोनों का मिश्रण, जो भी दे रखी है उन दोनों का क्या होगा? मिश्रण। आगे क्या करते हैं भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये भाई अब देखना है, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ जो संख्या होगी एक छोटी होगी और एक कैसी होगी? बड़ी। किससे छोटी किससे बड़ी? इससे। बीच वाली जो संख्या होगी इन दोनों के बीच की होगी, इन दोनों के बीच की होगी। यानी ऊपर जो संख्या होगी इससे क्या होगी? एक बड़ी होगी, एक क्या होगी? छोटी होगी। ये जरूरी नहीं कि छोटी इधर ही होगी या फिर इधर ही होगी, छोटी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, बड़ी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखना, अब क्या करेंगे भाई? बड़ी में से छोटी वाली माइनस करें। जैसे ये बड़ी है तो ये क्या होगी? छोटी। तो बड़ी में से छोटी माइनस करने के कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से क्रॉस चलता है, इसमें से घटा करके यहाँ लिख देंगे जो भी आएगा, ठीक है। अब देखना ये कैसे छोटी? किससे? इससे। तो अब क्या होगी? ये बड़ी होगी इससे, ठीक है। एक से छोटी एक से बड़ी, तो इन दोनों को माइनस करके कहाँ लिख देंगे? यहाँ पर। तो बताना ये क्या निकलेगा? ये क्या निकलेगा? यहाँ निकलती है मात्रा। क्या निकलती है? मात्रा। अब आप कह रहे हो ये क्या है? घबराने की जरूरत नहीं, परेशान मत हो, अभी क्वेश्चन कराते हैं, वहाँ से अच्छी तरीके से समझाया कि ये है क्या, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखना पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है वहीं से समझेंगे अच्छी तरीके से। और दोस्तों इस मिश्रण वाले चैप्टर को, यहाँ जो चैप्टर दे रखा है इसमें आपकी बुक में, इसे जो है लगभग जो है तीन भाग में हम जो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तीन भाग में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखना जैसे पहला ही क्वेश्चन है और पहला जो टाइप है इसने बोला जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 6.20 रुपीज प्रति किलो वाले चावल और 7.20 रुपीज प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.50। तो देखना दो तरह के क्या हैं? चावल हैं, एक है 6.20 और दूसरा है 7.20। बताना यहाँ दोनों के दोनों कैसे शुद्ध मात्रा है, और इन दोनों का मिश्रण कर दिया गया और इसकी कीमत उसने बताई कितनी? 6.50, ठीक है। अब यहाँ पर देखना एक छोटी एक बड़ी है कि नहीं? देखो इससे क्या है? छोटी है, और इससे ये वाली क्या है? बड़ी है। तो बड़ी में से छोटी माइनस करके लिख दो भाई, बड़ी में से छोटी, ये बड़ी है ये छोटी है, तो इस बड़ी वाली में से छोटी माइनस करो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। 7.20 में से 6.50 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई? 0.7, ठीक है, कितना? 0.7। इसी तरीके से अब देखना इसमें से क्या माइनस करेंगे? इसे, अब यहाँ पे ये बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो 6.50 में से 6.20 माइनस कर दो, यहाँ आएगा 0.3, ठीक है,
अब क्या करेंगे, ये क्या निकलेगा, मात्रा। ठीक है, यहां देखना ये क्या है, रुपए पर केजी है कि नहीं है, रुपए पर केजी। ठीक है, तो यहां देखना एक चीज देखना है, रेशियो किसका आता है, देखना है, रटना नहीं है, यहां पर देखना यूनिट जो दे रही है रुपए पर केजी है, तो नीचे क्या केजी है, तो यहां जो रेशियो निकलेगा किसका, मात्रा का निकलेगा, क्यों, नीचे क्या केजी है, तो यहां मात्रा का रेशियो निकलेगा। ठीक है, किसका, मात्रा का। इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी मात्रा कितनी आएगी, 7:3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम, कितने, 15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम, दो तरह के हैं, 15 और 20। ठीक है, 15 वाले और कितने, 20 वाले, और इन दोनों को पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि मिश्रण का भाव, यानी इन दोनों का जो मिश्रण का भाव कितना हो जाए, 16.50। मात्रा का अनुपात पूछा तो कैसे कर देंगे, बड़ी वाले में से छोटा वाले से माइनस कर दो, कितना होगा, 3.5, और इस 16.50 में से 15 माइनस करें, कितना आएगा, 1.5। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा भाई, 5 से कटेगा 7 बार और 5 से कटेगा 3 बार, कितना आएगा, 7:3, कौन सा हो जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखना अगला टाइप, यही क्वेश्चन और कुछ नहीं है, परेशान नहीं होना। ठीक है, जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेना, जैसे यहाँ पे मैंने बताया क्वेश्चन अभी शुरू करते हैं, यहाँ जो लिखा है एक चीज़ समझना, अगर यहाँ क्रय मूल्य है तो यहाँ भी क्रय मूल्य होना चाहिए और यहाँ भी क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य होना चाहिए, तीनों जगह सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, विक्रय मूल्य होगा, या फिर यहाँ क्रय मूल्य है, यहाँ विक्रय मूल्य है, यहाँ विक्रय मूल्य, ऐसा भी नहीं होगा, तीनों जगह सेम होना चाहिए, अगर यहाँ क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य, तो यहाँ विक्रय मूल्य, अगर यहाँ विक्रय मूल्य, तो यहाँ भी विक्रय मूल्य, यहाँ भी विक्रय मूल्य होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर दो तो क्रय मूल्य दे रखे हैं, तीसरा विक्रय मूल्य दिया होता है, तो आप उससे जो है नहीं कर सकते, तीनों जगह आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेम बनाना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे बताता चलूंगा। ठीक है, तो अगला टाइप क्या है, जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए, क्वेश्चन क्या है, चाय का एक उत्पादक चाय के दो बगीचों से दो प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है, 5:3 के अनुपात में मिलाता है, 5:3 क्या है भाई, चाय की मात्रा का अनुपात है, चाय की मात्रा का अनुपात है 5:3। ठीक है, आगे उसने बोला एक की लागत है 240 रुपये पर केजी, 240 रुपये पर केजी, और दूसरी वाले की है 300 रुपये पर केजी। ठीक है, अब वो कहते हैं यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत होगा, बताना लाभ कब निकाल पाएंगे, लाभ या लाभ प्रतिशत निकालना है कब निकाल पाएंगे, जब मुझे क्रय मूल्य पता हो और विक्रय मूल्य पता हो, दोनों मालूम हो तभी तो निकाल पाएंगे। तो यहाँ से देखना ये जो मात्रा दे रखी 5:3, ऐसे मान लो कि ये 5 किलो, ऐसे मान लो 3 किलो, तुम्हारी इच्छा कितना भी मान सकते हो, 50 भी मान सकते हो, 30 भी मान सकते हो, और 50 और 30 मानोगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, लंबी हो जाएगी, तो इसे ऐसे रहने दो, 5 और 3 ही रहने दो, यानी मैंने माना मात्रा ये 5 किलो, ये 3 किलो, यहाँ देखना 240 रुपये पर केजी, इसका क्या मतलब, 1 किलो 240 की, तो बताना 5 किलो कितने की, 1200 रुपये की, मल्टीप्लाई कर देंगे 240 का 5 है, इसी तरीके से यहाँ देखना कितने की हो जाएगी, 900 रुपये की, यानी कि 5 और 3 8, 8 केजी वो कितने की हो जाएगी भाई, कितने की, 1200 और 900 को ऐड कर देंगे, कितना, 2100 रुपये, यानी कि 2100 रुपये। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये बताना ये जो तुम्हारा निकल के आया क्या है, क्रय मूल्य है, क्या है, क्रय मूल्य, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बताया गया है लागत मूल्य दे रखी दोनों की 240 और 300, तो क्या है, क्रय मूल्य, लागत मूल्य है, अब कह रहा है 315 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए, तो बताना 8 किलो 2100 रुपये की, तो 8 किलो का अगर मैं जो विक्रय मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, 315 1 किलो, तो 8 किलो कितने का, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2520 रुपये, कितना, 2520। ठीक है, अब बताना प्रॉफिट कम, प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कितने का, 2100 खरीदा 2500 बेचा, तो कितने का लाभ हो रहा है, 420 का, किससे हो रहा है, 2100 से, क्रय मूल्य 2100 इंटू 100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 21 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालेगा तुम्हारा 20%। ठीक है, तरीका इसका और भी है, लेकिन वो तरीका जैसे अभी जो बता रहा था उस तरीके से भी है, लेकिन उस तरीके से ये वाला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा, तो भाई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन उसी तरीके से करें,
तो फिर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि 20%। अगला क्वेश्चन देखना क्या है, नीता चाय की दो किस्मों को एक 180 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और दूसरी कौन सी 200 रुपये, 180 और 200 वाली है ना, दोनों का मूल्य दे रखा है 180 और 200, ठीक है, 180 रुपये पर के जी, 180 रुपये पर के जी और दूसरी तुम्हारी 200 रुपये पर के जी। राइटिंग पर ध्यान मन देना भाई, इन दोनों की मात्राओं का अनुपात दे रखा है 5:3, ठीक है। अब इसने बोला 210 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो उसी की तरह क्वेश्चन है, क्या करेंगे 180 को 5 गुणा कर देंगे कितना 900 रुपये, और ये हो जाएगा 213,600 रुपये, ठीक है, यानी कि टोटल मात्रा होगी 8 किलोग्राम और कितने 900 600 कितने, यानी कि 1500 रुपये की, ठीक है, कितने की 1500 रुपये की, किस भाव से बेचा उसने 210 रुपये पर केजी। तो बताना 8 किलो का मूल्य 210 के हिसाब से, यानी यहाँ से क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1680 रुपये। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, तो बताना 1500 का खरीदा 1680 का बेचा तो लाभ कितने का होगा, 180 का प्रॉफिट परसेंट है ना, 180 का क्रय मूल्य कितना 1500 अपॉन 1500 × 100, दोनों जीरो कैंसिल, 15 से काटें कितना आ जाएगा 12%, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अब देखना क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे और 25 किलोग्राम 20 रुपये प्रति किलोग्राम दर पर, उसने दोनों प्रकार की चावलों का मिश्रण 27 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचा तथा उसे कितना लाभ हुआ। अब देखना यहाँ थोड़ा सा आपके लिए शॉर्टकट हो सकता है, कैसे देखना, कैलकुलेशन मतलब छोटी हो सकती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। देखना क्या क्वेश्चन है, 15 किलोग्राम है, कितने 15 किलोग्राम, और इसका जो रेट है वो कितना है 29 रुपये पर केजी। दूसरा है तुम्हारा 25 किलोग्राम और इसका रेट है 20 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं भाई दोनों की कीमत कितनी, तो आप कहोगे 29 का 15 गुणा करो तो 20 का 25, तो देखो आंसर आएगा आपके, सब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आपकी, लंबी हो जाएगी। इसे छोटा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो मात्रा जो दे रखी है 15 और 25 को काट दो, कितने से कट जाएंगे देखना, 5 से कट जाएगा 3 बार और 5 से कट जाएगा 5 बार, इन मात्राओं का अनुपात बना लो। अभी क्वेश्चन ऊपर वाले थे उनमें भी तो अनुपात ही दे रखा था, कौन सा एक्चुअल दे रखा था, एक्चुअल तो था नहीं भाई, अनुपात में दे रखा मैंने, अनुपात बना लिया। ध्यान रखना कि किससे काटा है मैंने, 5 से काटा, इसका यूज होना है अभी, ठीक है, कहाँ यूज होगा बताऊंगा, किससे काटा 5 से काटा, 5 से 15 5 25, क्या निकला, यानी कि जो मात्रा का अनुपात निकला 3:5। अब यहाँ से निकाल दो कुल कीमत कितनी, 1 किलो 29 रुपये का था, 3 किलो कितने का 87 रुपये का, इसी तरीके इसका 1 किलो 20 का तो 5 किलो कितने का 100 रुपये का, यानी टोटल मात्रा कितनी होगी 8 केजी, क्या बना लिया मैंने 8 केजी बना लिया, और कितने की होगी 187 रुपये की, ठीक है, कितने की 187 रुपये की। आगे क्वेश्चन में क्या बोला, उसने दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा है, तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 27 में कितने गुणा कर देंगे 8, 1 किलो का 27 तो 8 किलो का विक्रय मूल्य कितना, गुणा कर दो 8 7 56, 8 2 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, यानी कि 216 रुपये। तो बताना 187 में खरीदा, 216 में बेचा, तो उससे प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा, क्या पूछा सिर्फ प्रॉफिट पूछा, उसे लाभ कितना हुआ, तो 216 में से 187 क्या कर देंगे माइनस, 216 माइनस 187 कितना आएगा 29। अब आपको ऑप्शन में तो है ही नहीं 29, भाई कैसे होगा जब आपने एक्चुअल मात्रा तो रखी नहीं, अगर आपका प्रॉफिट परसेंट निकलता तो आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ से निकल आता, कोई दिक्कत नहीं होती, प्रॉफिट परसेंट पूछता तो डायरेक्ट आंसर निकल आता है, लेकिन उसने पूछा प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, एक्चुअल की बात कर रहा है, तो देखना आपने संख्या कितने से काटी थी, मैंने पहले बोला था आपको एक काम आने वाला है, कितने से काटी थी संख्या 5 से काटी थी, तो लास्ट में आप इसको जो 5 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा भाई साहब, 5 × 45 5 × 2 10 और 4 × 14, यानी कि उसका जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ 145 रुपये का, ठीक है, आ गया होगा समझ में, ठीक है, अगर नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को बैक करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है इसने, देखना समझना इसे भी अच्छी तरीके से,
इसने बोला है एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम लागत वाली दो प्रकार की चाय। अब देखो यहाँ पर जो 18 और 13 दे रखा है, 1 किलोग्राम का मूल्य नहीं है, 18 रुपये प्रति 100 ग्राम यानी 18 रुपये की कितनी है, 100 ग्राम है। इसे थोड़ा इधर लिख देता हूँ, 18 रुपये की कितनी है, 18 रुपये की कितनी भाई 100 ग्राम है, ठीक है। और दूसरी वाली चाय है 13 रुपये की 100 ग्राम, दूसरी कितने की, 13 रुपये की कितनी है भाई 100 ग्राम, ठीक है। 18 रुपये की 100 ग्राम और 13 रुपये की 100 ग्राम। आगे इसने बोला है इनकी जो मात्राओं का अनुपात है वो कितना दे रखा, 7:3, दो प्रकार की चाय 7:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो वह मिश्रित चाय 18 रुपये 15 पैसे प्रति ग्राम की दर पर बेचता है। तो देखना मात्रा जो दे रखी है 7:3 है, 7:3। यहाँ पर एक चीज़ देखना, ये 100 ग्राम का मूल्य, ये भी 100 ग्राम का मूल्य, ये 18 रुपये या 13 रुपये, मात्रा दे रखी है 7:3, तो 100 ग्राम की कीमत 13 रुपये, 100 ग्राम के 18 रुपये मालूम है, मात्रा है 7 है, तो अगर मैं 7 ग्राम की कीमत निकालूंगा तो वैल्यू पॉइंट में आएगी, तो इसमें 7 को, इस 7 को मैं बना लेता हूँ 700 और 3 को बना लेता हूँ 300। क्यों बनाया भाई, क्योंकि 100 ग्राम के दोनों को पता है, तो 700 ग्राम 300 ग्राम के रेट आसानी से निकल आएंगे। ऐसा नहीं कि 700 और 300 आंसर नहीं आएगा, उससे भी आएगा, लेकिन मैं कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 7 को बना लिया 700, 3 को बना लिया 300, यानी कि 100 ग्राम ये कितने की है 13 रुपये की, 100 ग्राम कितने की 8 की। अब 7:3, तो यानी इसे बना लिया मैं 700 ग्राम और इसे बना लिया 300 ग्राम, तो बताना 700 ग्राम का कितना पैसा, तो 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 7 का यहाँ भी कर देंगे, 7×8=56 और 7×7=12 यानी 126 रुपये की कितनी होगी 700 ग्राम। और जो 13 रुपये वाली है ये कितनी है 300 ग्राम, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 300 ग्राम और एक यहाँ कर देंगे कितने की 39 रुपये की, यानी कि 700 ग्राम और 300 ग्राम कुल मिला के मिश्रण कितना होगा 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम का क्या मतलब है 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम बोलें या फिर बोलें 1 किलोग्राम कितने रुपए की 126+39 ऐड कर दो, 126+39 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 और एक जाएगा 3×2=5 और 1×6 यानी कि 165 रुपये, कितने की 165 रुपये के, 1 किलोग्राम का जो मिश्रण जो उसका पड़ा वो कितने का 165 रुपये, क्या निकल के आया क्रय मूल्य निकल के आया, लेकिन इसने बेचा 18 रुपये 15 पैसे ना 18.15 का कितना है 100 ग्राम विक्रय मूल्य है। अब मिश्रण कितना 1000 ग्राम है, तो इसे भी क्या बनाना पड़ेगा 1000 ग्राम करना पड़ेगा, तो बताना कितने से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 10 से कर दो, ये बन जाएगा 1000 ग्राम या फिर बोलें 1 किलो, ठीक है। और यहाँ कितने से 10 से, तो कितना हो जाएगा 181.5। देखो परेशान मत होना कि ये क्या कर दिया, यही तरीका है, ठीक है, पूरे एक एक चीज़ को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कहाँ से किस तरीके से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा शॉर्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं भाई, क्योंकि इस तरीके से आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। 181.50 आया विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकला 165, तो बताना प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, मुझे क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट निकालना है, हाँ प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा मिटा सकता हूँ, चलो रिम दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखना प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 181.5 में से क्या करता देंगे 165, तो माइनस कर देना भाई 181.5 में से 165 माइनस कर दो, कितना आएगा 5, 11 में से 5 जाएंगे 6 और यहाँ बचेंगे 7, 7 में 6 यानी कि 16.5। क्रय मूल्य कितना है 165 अपॉन क्रय मूल्य यानी 165 इंटू 100, तो इस पॉइंट से 0 हट जाएगा और 165 से 165 कट जाएगा यानी कितना आएगा 10%, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई समझ आ गया होगा, यानी कि आपका ये हो जाएगा कौन सा बी ऑप्शन। अब देखना क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति केजी की दर से, ठीक है, कितना 10 रुपये प्रति केजी की दर से क्या है खरीदा है इसने, ठीक है, कितने हैं 30 किलोग्राम है 30 केजी और यह है 10 रुपये पर केजी। आगे बोला इसने और 35 किलोग्राम चावल हैं, कितने 35 किलोग्राम चावल हैं और ये खरीदे हैं 11 रुपये पर केजी, 11 रुपये पर केजी। अब ये कहता है
उसने उन दोनों को मिला दिया, तब उसे उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए। इसने विक्रय मूल्य पूछा, क्वेश्चन के अंदर विक्रय मूल्य नहीं दिया है, लेकिन वो कहता 30% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो पहले मैं इस मिश्रण का क्या निकाल लूँ, क्रय मूल्य निकाल लूँ। इन दोनों के मिश्रण का क्या निकाल लूँ, क्रय मूल्य। तो देखना इन दोनों का मल्टीप्लाई डायरेक्ट मत करना, मैंने क्या बताया था, अगर बड़ी बड़ी मात्राएं दे रखी है तो इनको छोटी बना लो, 5 × 6 = 23 और 5 × 7 = 35 रेशियो बना दो, कोई दिक्कत नहीं। यानी अब कुल कीमत जो 30 थी उसे 6 बना दिया, 35 उसे 7 बना, ध्यान रखना किससे काटा है, ठीक है, किससे काटा, 5 से, 10 × 6 = 60 कितना होगा भाई, 60, और ये कितना होगा, 11 × 7 = 77 यानी कि 60 रुपये और कितने 77 रुपये। तो बताना कुल कीमत कितनी और मात्रा कितनी, 6 × 7 = 13, मैंने इसे कितना मान लिया, 13 किलोग्राम बना दिया, और 13 किलोग्राम की जो मात्रा निकली 60 और कीमत जो निकली 60 × 77 कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 13 137 रुपये, कितना 13 किलोग्राम। वो पूछा प्रति किलोग्राम भाव पूछ रहा है और 30% लाभ हो, तो बताना यहाँ से 1 किलोग्राम कितने की हो जाएगी, 13 का भाग लगा देंगे, 137/13। तो काट पीट नहीं हो रहा, घबराना नहीं, नहीं कट रहा रहने तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसने 30% लाभ पर बेचना है तो विक्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य आया 137/13 रुपये, रहने दो इसे कोई दिक्कत नहीं, मुझे निकालना है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कौन सा निकालना है, 30% लाभ वाला। तो क्रय मूल्य कितना, 137/13, और क्या कमाना है, 30% लाभ, तो क्या निकालना पड़ेगा, 130/100, ऐसे तो निकलता है विक्रय मूल्य, इस 13 से कट जाएगा ये 10 बार, बस 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 137/10 का मतलब होगा 13.7 रुपीज़ पर kg, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो देखना कौन सा ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ये सी ऑप्शन, ठीक है। तब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, चाय का एक उत्पाद है, चाय बागानों की दो प्रकार की चाय, एक 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, दूसरी 20 वाली है, उन दोनों का अनुपात दे रखा है 5:3, ठीक है, मिश्रित करके चाय तैयार करता है, सॉरी है, उस मिश्रित चाय को 21 रुपये पर किलोग्राम दर से बेचे तो उसका कितना पैसा लाभ होगा। तो ये भी भाई ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसे भी क्या रेट दे रखा है, 18 और 20, 18 और 20, और इनकी जो मात्रा है वो कितनी है, 5 और 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें, 18 × 5 = 90 रुपये और ये हो जाएगा 20 या 60 रुपये, कुल कीमत होगी 90 और 60 कितना, 150 रुपये, क्या निकला भाई, क्रय मूल्य निकला, कितने की, 5 और 3 8 किलोग्राम का, कितना निकला, 150, लेकिन उसने 21 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा, तो बताना विक्रय मूल्य कितना होगा भाई, 1 किलो है 21 का दे रखा है इसने, और 8 किलो है हमारी मात्रा टोटल, तो कितना, 8 × 8 = 16, 168 रुपये का, 150 का खरीदे 168 का बेचा, बताना प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो लाभ कितने का, 18 का लाभ होगा भाई, 168 में से 150 माइनस कर देंगे, अपॉन क्रय मूल्य कितना, 150 × 100, 50 × 150 × 100 = 18, यानी कि आपका आंसर आएगा 6×12%, ठीक है, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखना अगला टाइप बहुत ही मज़ेदार है, जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटी जाए, क्या है, बढ़ाई या घटाई जाए, ठीक है, तो भाई इसे जो अच्छी तरीके से समझना इसे, ठीक है, क्या है देखना, इसने बोला एक मिश्रण में अम्ल और पानी है, क्या है, अम्ल और क्या भाई, पानी है, अम्ल और पानी है, उसका अनुपात दे रखा है 1:3, ठीक है, आगे बोला इसने यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया, ध्यान रखना क्या डाला, इसने 5 लीटर अम्ल और डाला, यानी कि पानी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समझाऊंगा अभी, तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है, कितना, 1:2, यानी कि ये तुम्हारा नया मिश्रण का अनुपात है और ये तुम्हारा क्या है, पुराना मिश्रण का अनुपात, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखना, इसने पूछा तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है, नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है, इसमें अम्ल कितना डाला गया, 5 लीटर, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझना, अम्ल पहले था 1:3, बाद में उसने अम्ल डाल दिया 5 लीटर और फिर हो गया नया मिश्रण का अनुपात 1:2, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना, क्या डाला, अम्ल डाला है, तो जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो देखना जिस चीज़ को डालेगा उसी चीज़ का परिवर्तन होगा और जो दूसरी वाली चीज़ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ 5 लीटर अम्ल डाला
तो जो परिवर्तन होगा सिर्फ अम्ल में होगा, पानी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसमें पानी से कोई छेड़खानी नहीं की गई है। उसने बताया नहीं कि पानी डाला या निकाला है, सिर्फ ये बताया कि 5 लीटर अम्ल डाला है, यानी कि पानी में कोई परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पानी में क्यों परिवर्तन भाई, बताओ यहाँ पानी में परिवर्तन है कि नहीं? पहले पानी 3 था, बाद में 2 हो गया। पानी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिवर्तन किस में होगा? अम्ल में होगा, यानी जिस चीज़ को डालेगा उसी का क्या होगा? परिवर्तन। इससे भाई इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ आपको समझनी है बस। अगर ये समझ आ गया तो बस क्वेश्चन आप इस तरीके से आराम से सॉल्व कर दोगे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा। तो देखना क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, पानी को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ऊपर वाले का नीचे गुणा कर दो, नीचे वाले का ऊपर। ऊपर कितना 3, तो यहाँ कर दो 3। यहाँ कितना 2, तो यहाँ कर दो 2। अब ऐसा नहीं यहीं करके छोड़ देंगे, यहाँ 2 से क्या तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 3 से क्या तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, क्यों? ये दोनों दोनों क्या है? रेशियो। यानी कि यहाँ से नया अनुपात जो बनेगा, अब देखना ये बन गया 2:6, कितना 6, ये बनेगा 3:6, 2:6 और 3:6। अब देखना भाई ये तुम्हारा अम्ल और ये क्या है तुम्हारा पानी। देखना पानी पहले भी 6 था, बाद में भी 6। अम्ल पहले 2 था, अब हो गया 3। अम्ल कितना बढ़ेगा? 1। ये जो 1 अम्ल बढ़ा किसकी वजह से बढ़ा? 5 लीटर अम्ल डालने की वजह से। क्वेश्चन के अंदर डाला 5 लीटर और यहाँ कितना बड़ा? 1, यानी 1 बराबर हो जाएगा हमारा 5 लीटर। इसमें पूछा नए मिश्रण की कुल मात्रा, नया मिश्रण कौन सा था तुम्हारा? ये, यानी कि 3 और 6 कितना है? नया मिश्रण टोटल कितना है? 3 और 6 9, 1 की वैल्यू 5, तो 9 की वैल्यू कितनी? 45 लीटर। अगर तुमसे पूछता पुराना वाला कितना, तो 6 और 2 कितना? 8, 8 × 5 = 40, यानी पुराना था 40, नया कितना? 45, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं इस पर, अगर यहाँ कोई दिक्कत होती है तो अगले वाले क्वेश्चन में और डाउट क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है अगला? पानी तथा ग्लिसरीन, लिख लो भाई। पानी है और क्या है? ग्लिसरीन, ठीक है। कितना कितना है? 240 ग्राम 240 सीसी के मिश्रण में उनके आयतनों का जो अनुपात है वो कितना? 1:3। इन दोनों का टोटल जो मिश्रण है वो कितना है? 240 सीसी, ठीक है। अब ये कहता है उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए? क्या मिलाया जाए? पानी मिलाया जाए, तो क्या परिवर्तन नहीं होगा? ग्लिसरीन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ग्लिसरीन जितना पहले था बाद में भी उतना ही रहना चाहिए। अब कितना हो जाता है? 2:3, यानी नया जो मिश्रण का अनुपात है वो कितना हो जाता है? 2:3। तो भाई से यहाँ से एक चीज़ देखना, क्या तुम्हारे ग्लिसरीन में कोई परिवर्तन हुआ? भाई बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी 3 था और बाद में भी कितना है? 3 है। पहले 3 बाद में भी 3, तो अब यहाँ पर कोई छेड़खानी की जरूरत नहीं है। अगर ये बराबर नहीं होते तो क्या करने पड़ते? बराबर करने पड़ते। यहाँ पहले से बराबर है तो कुछ नहीं करना भाई आपको। देखना पानी पहले 1 था, अब कितना हो गया? 2, यानी पानी कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। पानी कितना बढ़ा? 1। अब यहाँ से यही तो पूछा कितना पानी और डाला जाए। अब ये जो 240 जो दे रखा है वो किसकी वैल्यू दे रखी है? पुराना वाला जो मिश्रण था पानी और ग्लिसरीन वो कितना था? 240। यहाँ पुराना मिश्रण कितना? 1 और 3 = 4। इस 4 की वैल्यू कितनी है? 240। तो बताना 1 की वैल्यू कितनी? 4 का भाग 240 में लगा दें, कितनी? 60 सीसी। 1 की वैल्यू कितनी? 60। क्वेश्चन ने पूछा कितना पानी और डाला जाए, तो पानी 1 से हो गया 2, तो कितना डाला गया? पानी 1 डाला गया, और 1 की वैल्यू 60 निकल के आई है, और 1 60 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 ही रहेगा, यानी कि 60 सीसी ही आपका क्या होगा? आंसर। अगर किसी तरीके से यहाँ 2 होता तो 60 का 2 में गुणा कर दे, कितना हो जाता? 120, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? 60 सीसी। तो कौन सा? सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा 60, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 11। एल्कोहल पानी के 1 लीटर के मिश्रण में, एल्कोहल है और क्या है? पानी है। लिख लो भाई एल्कोहल और पानी। एल्कोहल को ए लिख दिया और पानी को लिख दिया मैंने वाटर, ठीक है। एल्कोहल और पानी का कितना मिस 1 लीटर मिश्रण में क्या है? पानी 30% है, पानी 30% है। बताना अगर पानी 30% है तो एल्कोहल कितना प्रतिशत होगा? शेष कितना बचा? 70 बचा। 100 में से 30 माइनस कर देंगे, यानी कि अगर पानी 30% तो एल्कोहल कितना? 70%। यहाँ से अनुपात बना दो, क्या बन जाएगा? 7:3। क्या बन जाएगा? 7:3, ठीक है। अब आगे क्या बोला? और इन दोनों का मिश्रण कितना है? एल्कोहल प्लस वाटर का कितना है? 1 लीटर। इसका मतलब है 1000 ml, ठीक है। 1 लीटर का मतलब क्या? 1000 ml। आगे बोला इसने कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15 हो जाए। पानी का प्रतिशत कितना हो जाए?
15 हो जाए तो बताना शेष एल्कोहल जो बचेगा वो कितना होगा, 100 में से 15 माइनस कर दे कितना, 85। अब इसे करना भाई, 5 से कट जाएगा 17 और 5 से कट जाएगा ये 3, यानी कि इसका अनुपात निकलेगा 17:3 और ये कितना था, 7:3। क्या डाला है इसमें, कितना एल्कोहल और डाला जाए, कितना एल्कोहल और डाला जाए, यानी कि पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन किस में होगा, एल्कोहल में। क्यों, क्योंकि उसमें एल्कोहल डाला है। तो देखना एल्कोहल पहले 7 था बाद में 17, अब हमें चेक करना है कि पानी में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। पहले भी पानी 3 था बाद में भी 3, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पानी परिवर्तन होना ही नहीं था, यहाँ परिवर्तन नहीं है, आपस में बराबर है, तो कोई करने की कुछ जरूरत है ही नहीं है। अब देखना ये मिश्रण कितना, 1 लीटर यानी 1000 ml, यहाँ मिश्रण कितना 7 और 3 10, इस 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000 ml। तो यहाँ से बन की वैल्यू निकाल लेंगे, बन की वैल्यू आपको हमेशा निकालनी है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 का भाग लगा देंगे कितना, 100 ml। अब देखो क्या निकालना है, कितना एल्कोहल डाला जाए, पहले 7 था बाद में हो गया 17, तो एल्कोहल कितना डालना पड़ेगा, 7 में कितना डालें कि 17 हो जाए, 10 डालना पड़ेगा, 17 में से 7 माइनस को 10, 1 की वैल्यू 100, तो 10 की वैल्यू कितनी, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का इसमें, 1000 ml, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि पहले ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 80% बोरिक अम्ल है, कितना 80% बोरिक अम्ल है, ठीक है इसे भी लिख लेते हैं, बोरिक अम्ल, ठीक है बोरिक अम्ल, ठीक है कितना 80 है, समझ जाओ भाई, ठीक है कितना 80% क्या है, बोरिक अम्ल है। वाले 100 मिली पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया, तो शेष क्या बचा, पानी वो कितना है भाई, 80 है अम्ल, तो पानी कितना होगा 20, 100 में से 80 माइनस कर दो, यहाँ से रेशो बना दो, 20 चौके 80 और 20 एकम 20, यानी कि 4:1 आया, ठीक है पुराने वाला जो मिश्रण है। अब कहता है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में क्या है, बोरिक अम्ल कितना हो जाए, 50, बोरिक अम्ल 50%, तो पानी भी कितना होगा, 50, क्योंकि 100 में से 50 माइनस करेंगे क्या होगा, 50 से आएगा। यहाँ से अनुपात देखना 1:1 कितना बनेगा, 1। अब बताइए क्वेश्चन में देखना क्या परिवर्तन हो रहा क्या नहीं हो रहा है, ठीक है क्या डाला है क्वेश्चन के अंदर बताना, कितना पानी और मिलाया जाए, क्या मिलाया, पानी मिलाया है, तो परिवर्तन किस में नहीं होना चाहिए, बोरिक अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बताया पानी और मिलाया जाए, यानी परिवर्तन जो होगा किस में होगा, पानी में होगा, बोरिक अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन देखना बोरिक अम्ल पहले 4 था अब कितना होगा, 1, यहाँ तो परिवर्तन हो गया और मैंने बताया यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो बताना 4 कब बनेगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अभी बराबर होगा क्या नहीं होगा, ये भी 4 ये भी 4, ऐसा नहीं यहीं पर गुणा करके छोड़ दूँ, दोनों में करना पड़ेगा, रेशियो में 1 में जिसमें भी करोगे वहाँ दोनों में करना पड़ेगा। अब देखना यहाँ से अनुपात लिख देता हूँ मैं, ये कितना है, 4:1 कितना है, 1, और यहाँ से क्या बनेगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी कि 4:4, ठीक है। ये तुम्हारा एसिड था और ये क्या था, वाटर। अब देखना भाई यहाँ पे जो कितना दे रखा, 100 ml पानी घोल है, पानी का घोल कितना 100 ml है, यहाँ पे कितना पानी का घोल, ये दोनों का पानी और जो अम्ल है दोनों का घोल कितना, 4 और 1 5, और इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 100 ml, ठीक है। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल दो तो 100/5 यानी कितना हो जाएगा, 20, 5 का भाग लगा देंगे 100 में, पानी कितना और डाला जाए, तो देखना पानी पहले था 1 अब कितना हो गया 4, तो कितना बढ़ गया पानी, 3 बढ़ गया, यानी कि इस 3 की वैल्यू निकालनी है आपको, 3 × 20 यानी कितना हो जाएगा, 60 ml, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखना क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है क्या क्वेश्चन है देखना भाई, इसने बताया 30% एल्कोहल के घोल में 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया, 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया, घोल में जल का प्रतिशत कितना, तो बताना एल्कोहल का 30% है तो बताना जल जो तुम्हारा पानी यानी वाटर होगा कितना होगा, 70% होगा, कितना 70%, सही है। और इसने ये पूछा है कि जल कितना प्रतिशत है, तो बताना
अब इसमें जो मिला है 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिला है, यानी कि पानी में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। तो देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस 6 लीटर में पानी कितना, 6 लीटर में पानी कितना है, 70% है, तो 6 लीटर का 70% निकाल दो, 70/100, ठीक है, 0.0, यानी कि 4.2 लीटर, 6, 7, 42, 42 में 10 से भाग देंगे कितना आएगा, 4.2 लीटर, यानी उस 6 लीटर में 4.2 लीटर क्या है, पानी है। 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल और मिला दिया, 6 लीटर मिश्रण था, 6 लीटर मिश्रण था जिसमें आपका एल्कोहल भी था पानी भी था, 1 लीटर एल्कोहल और मिला दिया, तो बताना टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 7 लीटर का मिश्रण हो जाएगा। तो बताना भाई से यही पूछ रहा है कि जो नया मिश्रण है उसमें पानी कितना प्रतिशत है, नया मिश्रण कितना, 7 लीटर, और ये पूछा कितना प्रतिशत, तो मैंने कहा 7 का x% है और वो क्या है, पानी कितना, 4.2। इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, पहले यहाँ से निकाल दो, एक्स परसेंट निकालना है तो कितना हो जाएगा, 4.2/7, 7 का भाग लग जाएगा और इनटू 100, ठीक है, प्रतिशत में निकालना है तो आप देखना इस पॉइंट से 1 0 खत्म हो जाएगा, 7 से 6 बार, यानी कि 60%। कभी भी आपको परसेंट निकालना हो किसी कौन किसका कितना परसेंट है, तो सीधा देखना कितना निकालना है, 4.2 कितना परसेंट, तो 4.2 किसका पूछा है, 7 का, यानी नया मिश्रण, अपॉन 7 और इनटू 100, ये सब निकलने की कोई ज़रूरत नहीं होती, पूरा डायरेक्ट ये यहाँ से निकल आता, ठीक है, तो कितना आएगा, 60%। कैसे, जो भी पूछता है कि ये कितना कितना परसेंट है तो वो लिख दिया, 4.2 पूछा तो वो लिख दिया ऊपर, मिश्रण कितना, 7 7, नीचे लिख दिया, 200 कर दिया, ठीक है। अब देखना कौन सा ऑप्शन हो गया, इसका सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, 14वां क्वेश्चन क्या है, 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी, ठीक है, 75 ग्राम क्या है, घोल है, उसमें चीनी आपके कितनी है, 30% है, और आगे बोला इसने तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का 70% रहे। तो देखो अन्य चीज बताई नहीं क्या है, तो मैं अन्य लिख देता हूँ, 30% चीनी है तो अन्य कितनी होगी, 70%। यहां से जब रेशो निकालेंगे, 3 और कितना निकलेगा, 7, अनुपात कितना है, 3 और 7। अब इसने नया बताया कि कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत कितना हो जाए, 70, तो बता अन्य कितने रह जाएगा, 30 रह जाएगी, यहाँ से अनुपात जब निकालेंगे कितना हो जाएगा, 7:3। क्या मिलाया है इसने, चीनी मिलाई है, क्या मिलाया है, चीनी मिलाई है, यानी कि जो परिवर्तन होगा वो चीनी में होगा, अन्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अन्य पहले 7 या बाद में हो रहा 3, तो यहाँ तो कोई परिवर्तन होगा, और मैंने बताया यहाँ पर परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर कैसे करेंगे, इस नीचे वाले का ऊपर कर दो गुणा ऊपर वाले का नीचे, यानी यहाँ कर दें 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 7 से, और नीचे 3 तो यहाँ 3 से कर दो और यहाँ भी 3 से कर दो, तो बताना नया रेशियो क्या बनेगा, 3 × 3 यानी कि 9 और 7 × 3 यानी कि 21 और 7 × 7 यानी कि 49 और 3 × 7 यानी कि 21। अब देखना यहाँ पर ये थी तुम्हारी चीनी और ये तुम्हारी अन्य चीज़ थी कोई भी, यानी देखना अन्य में कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन किस में हो रहा है, चीनी में। जो घोल था वो कितना था, 75 ग्राम था शायद, 75 ग्राम चीनी के घोल में, तो देखना पहले जो घोल था कितना था, 75 ग्राम, पहले वाला कौन सा, ये यानी कि 9 और 21, यही तो घोल है टोटल, 9 और 21 कितना, 30, इस 30 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 75 ग्राम, तो यहाँ से भाई से 1 की वैल्यू निकाल दो, 1 की वैल्यू तो आपको हमेशा निकालनी ही है, ठीक है, 75/30, नहीं कट रहा कोई बात नहीं, ऐसे रहने दो कोई दिक्कत नहीं, पूरा पूरा नहीं कट रहा, रहने दो ऐसे, ठीक है, कोई परेशान नहीं होना, देखो कभी कभी घबरा आया तो कोई फ्रैक्शन में आ गया, अब क्या करें, आंसर आया कि नहीं आया, परेशान मत हो, कहीं ना कहीं कटेगा, अगर आपका आंसर जो फ्रैक्शन में नहीं है तो 100% ये कहीं ना कहीं कटेगा। क्या निकालना है, चीनी कितनी और मिलाई जाए, चीनी पहले 9 थी अब होगी 49, तो बताना कितनी बढ़ गई चीनी, 9 में कितनी चीनी मिलाएं कि 49 बन जाए, तो क्या करेंगे 40, या इन दोनों का डिफरेंस हो कितना 40, हमें 40 की वैल्यू निकालनी, 1 की वैल्यू कितनी आई, 75/30 मल्टीप्लाई कर दो इसमें, देखना इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 25 बार कट जाएगा और 25 100 ग्राम, बताओ कहीं पॉइंट में वैल्यू आई, कहीं नहीं आई, अब परेशान होती क्या, तो पॉइंट में आ रहा आंसर पॉइंट में नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, कट गया कितना आ गया 100 ग्राम, ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर है, 100 ग्राम, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो अब देखना क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा तथा टिन है, क्या दे रखा, सीसा तथा टिन,
ठीक है, लिख लो भाई दोनों को, सीसा और टिन को, जो दे रखा है उसे सबसे पहले लिख लो, सीसा और क्या है टिन, कितना कितना है देखना, ये 5:6, 5:6। आगे बोला इसने, उस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम कितना सीसा और मिलाना चाहिए, क्या मिलाना चाहिए, सीसा मिलाना चाहिए, यानी कि टिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब नया अनुपात कितना बन जाता है, 1:1, ठीक है, 1:1, किसमें परिवर्तन नहीं हुआ, टिन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्या मिला रहा है, सीसा मिला रहा है, यानी परिवर्तन होगा सीसा में, टिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ टिन 6 बाद में 1, तो परिवर्तन हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, इससे भी क्या बनाना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा, तो क्या कर दूँ, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी 6 से कर दूँ, ठीक है, ये कितना होगा, वैसे लिख देता हूँ अलग, ये बन गया 5:6 और ये बन गया 6:6, ये तुम्हारा सीसा था और ये क्या है तुम्हारे टिन, ठीक है। अब देखना 12.1 किलोग्राम जो वैल्यू दे रखी है किसकी दे रखी है भाई, इस नीचे वाले के ऊपर वाले के, ये दे रखी ऊपर वाले, क्योंकि उसने बोला है 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाना चाहिए कि नया अनुपात ये बन जाए 1:1, तो 12.1 जो दे रखी है किसकी वैल्यू है, इस वाले मिश्रण की, सीसा और टिन की, यानी कि 6 और 5 11 11 की वैल्यू दे रखी है 12.1 किलोग्राम, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, 11 का भाग 12.1 में देंगे तो आएगा 1.1 किलोग्राम, कितना सीसा और मिलाना चाहिए, पहले था 5 अब हो गया 6 तो कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, यानी हमें चाहिए 1 की वैल्यू, और 1 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, यानी 1.1 केजी, और भाई क्योंकि देखो इसका गुणा इसमें करो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई 1 × 1.1 kg, तो कितना आएगा 1.1 kg, और यही आपका क्या हुआ आंसर। अगर आपसे पूछता बताइए बाद वाले की मात्रा कितनी हो जाएगी मिश्रण टोटल की, तो ये 6 और 6 12 और 12 में कितना गुणा कर दूँ 1.1 का, ठीक है, तो नया मिश्रण निकल आएगा, तो जो भी पूछता वन की वैल्यू निकल आया बस वहाँ पे क्या कर देना आपको मल्टीप्लाई कर देना। तो दोस्तों आज इतना ही करेंगे, 15 क्वेश्चन हो गए और हमने आज जो है पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर आपको कहीं दिक्कत लगती है कि यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो उसे भी भाई बताया करो, ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। और हाँ, जो भी दोस्त तुम्हारे एस जादव का मैथ पढ़ते भाई, बार बार मैं बोलता हूँ और हमेशा कहता रहता हूँ कि भाई इस वीडियो को भाई अपने आपके दोस्त जो भी जहाँ भी एस डी आदव का मैथ पढ़ते हैं वहाँ तक इस वीडियो को भाई पहुँचाइए, उनसे बोलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।